हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा एक गाड़ी जो कि मेरे पास से जाने वाली है और ये बहुत शानदार गाड़ी है। इसका नाम है मारुति रिट्ज। फ्रेंड्स, अगर आपको ये गाड़ी मिलती है तो आप भी ले लीजिए, क्योंकि कंपनी ने नई गाड़ी बनाना ये बंद कर दी थी, लेकिन ये बहुत शानदार गाड़ी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको ये गाड़ी कैसी है। चलते हैं फ्रेंड्स, हम इस गाड़ी के अंदर और अंदर से दिखाते हैं आपको कैसी है ये गाड़ी। चलिए फ्रेंड्स, इस गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स, इसमें आपको मिल जाएगा पावर विंडो, जो कि बहुत अच्छा फीचर होता है, आजकल सभी गाड़ियों में आ रहा है वैसे तो। ये एसी वेंट्स है इसका। लेग रूम में भी काफ़ी जगह है इसके। इसका जो ये गियर लीवर है छोटा सा, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये जो आप देख रहे हैं छोटी सी स्क्रीन, ये कैमरा अलग से लगाया गया है इसमें, इसके साथ नहीं आता है। चलिए हम चलते हैं इसके पीछे। पीछे भी काफ़ी स्पेस है, दो से तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं, हम लोग तो कभी कभी चार भी बैठ जाते हैं। इसका बूट स्पेस दिखाते हैं आपको। यहाँ से खुलती है इसकी डिक्की। बूट स्पेस में भी काफ़ी जगह है। फ्रेंड्स, ये गाड़ी 1200 सीसी इंजन है इसका, फोर सिलेंडर, और 20 से 22 का माइलेज ये दे देती है। अगर आप सिटी में चलाते हैं थोड़ा कम मिलेगा। एलॉय व्हील्स नहीं है इसमें, एक्सी मिलेगा आपको। और अगर आपको ये गाड़ी मिलती है तो आप इसको छोड़िए मत, क्योंकि बहुत शानदार है गाड़ी। चलिए अब हम इसका बोनट खोलते हैं, इंजन दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स, ये इसका इंजन है, और फ्रेंड्स 1200 सीसी का इंजन है इसका, फोर सिलेंडर, जो कि पावर देता है हमें 85.8 bhp का। फ्रेंड्स, इसका जो बूट स्पेस है 240 लीटर का मिलने वाला है आपको। और न्यू गाड़ी तो ये आपको मिलेगी नहीं, आपको ये सेकंड गाड़ी ही लेनी पड़ेगी, मगर अगर आपको मिलती है तो इसको छोड़िए मत आप। चलिए गाइस, जब हम इसको चला के दिखाते हैं आपको कैसी चलती है गाड़ी। मैंने तो कई बार चलाई है लेकिन कभी आपको नहीं बताया है। ये इसकी की है, लगाते हैं इसको हम और स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, लेके चलते हैं इसको रोड पर। ये गाड़ी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी चल रही है और बहुत भागती है स्पीड में। इस गाड़ी में आपको डिजिटल और एनालॉग दोनों ही टाइप का मीटर मिलेगा। और ना इससे कोई आवाज़ आ रही है अभी, मतलब इतना चलने के बाद भी गाड़ी की कंडीशन अभी बहुत अच्छी है। अगर आप भी ऐसी कोई गाड़ी लेना चाहते हैं
तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी नज़र में एक दो और गाड़ियां हैं ऐसी, आगे शायद रास्ता बंद है तो हम ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे, रुकते हैं हम थोड़ा यहीं पर। इसमें ये म्यूजिक प्लेयर लगा हुआ है जो कि अलग से लगाया गया है। इसमें ये फ्रेंड्स कैमरा और सेंसर अलग से लगाए गए हैं जो कि आपको भी लगवाने पड़ेंगे अगर आप कोई ऐसी गाड़ी लेते हैं तो। फ्रेंड्स मैं फिर से कहूँगा आपको, अगर आप कम बजट में कोई कार लेना चाहते हैं और आप सेकंड हैंड कार लेना चाहते हैं तो आप ये कार देखिए, अगर आपको मिलती है इसमें आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि इसका माइलेज ही बहुत अच्छा है और कम मेंटेनेंस गाड़ी है। इसको पहले डॉक्टर्स की गाड़ी कहा जाता था। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार।